सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन। बोकारो झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री से उत्पाद मद निषेध जगन्नाथ महतो के निधन से क्षेत्र में चारों तरफ मायूसी फैल गई है। उनके कार्यकर्ता, उनसे प्यार करने वाले लोग मंत्री जगन्नाथ महतो के पैतृक गांव अलारगो उनके आवास पर एक एक कर जमा हो रहे हैं। चारों तरफ इनकी मौत से मातम छाई हुई है। इनके घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए लोगों की जमावड़ा लग रही है। सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेशानुसार, जैसा कि जानकारी प्राप्त हो रहा है, इनका शव पैतृक गांव अलारगो पहुंचाने की बातें कही जा रही है। देखिए, पूरे राष्ट्र में शोक दिवस की घोषणा मोदी जी ने की है और आज हमारा फेडरेशन का राष्ट्रपति मंत्री जी की बैठक थी और निश्चित तौर पर जगन्नाथ दा का निधन होने पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग ये बैठक को रद्द करेंगे। और ये बस डुमरी विधानसभा या फिर उनके परिवार के लिए ही दुख की घड़ी नहीं। मैंने अभी अपने वक्तव्य में भी बोला है कि जगन्नाथ दा जिस तरीके से मेरे पिता के जाने के बाद एक गार्जियन के रूप में मेरे लिए उभर कर आए थे और जगन्नाथ दा ने जिस तरीके से मुझे संभाला था, क्योंकि उनका आवासीय कार्यालय भी जो है वो बेरमोई विधानसभा में, वो डुमरी के विधानसभा के भी विधायक नहीं थे, वो बेरमो के लिए भी अभिभावक थे और उनका जाना बहुत ज़्यादा दुखनीय है। और मैं समझता हूँ कि ये क्षति जो हम लोग को मिली है इसका भरपाई नहीं किया जा सकता। मेरी उनसे दो तीन बार हमारे विचार में मतभेद ज़रूर हुआ, लेकिन मुझे मेरे और उनके विचार में दो तीन बार मतभेद भी हुआ, हमारे परिवार में खटास भी पड़ी, लेकिन उनका जो स्वभाव था या मेरे पिताजी का जो स्वभाव था वो काफ़ी मिलता जुलता था। और ये चीज़ मुझे देखने को मिला कि जब मेरे पिता के जाने के बाद जगन्नाथ दा सब चीज़ भुला कर एक गार्जियन के रूप में मेरे साथ खड़े रहे और मेरे राजनीतिक जीवन में, इलेक्टेड राजनीतिक जीवन में, जब से मैंने शुरुआत की इस 3 साल के दरमियान बहुत सारे समय बहुत चीज़ों में उन्होंने मुझे मार्गदर्शन के रूप में मेरे साथ खड़े हुए मिले। और निश्चित तौर पर आज मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, बेरमो विधानसभा के लिए व्यक्तिगत क्षति है, इसका भरपाई नहीं किया जाता, बहुत दुख की घड़ी है। झारखंड के लोगों क्या हो, वो तो सपना जगन्नाथ महतो जी के परिश्रम से, जगन्नाथ महतो जी के आंदोलन से, वो सपना को हर एक झारखंड के रहने वाले लोगों के दिलों में वो देखे गए और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस सपने के बारे में, उस लड़ाई के बारे में विधानसभा में भी कहा कि 32